ऐसे प्यार करते रहिए ठीक बा बिग बॉस से ऑफर आ रहा है तो क्या ये सच है <laughs> आता रहता है बट अभी मैं भाभी जी पे कंसंट्रेट कर मैं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बजुका आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी मेहमान है जब इंट्रोडक्शन की देने की जरूरत नहीं है अपने उन्हें देखिए आप पहचान जाए कैसे हैं शमांगे आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे मैं बहुत अच्छा सॉरी मुझे नहीं आता बोलने फील कर रहे हो आज आप यहाँ पे आओ सुपर मॉम नो सुपर वुमेन क्या 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 एनर्जी है कुछ बताएं है हमें बहुत अच्छी एनर्जी है इतनी इंस्पिरेशन है आसपास और यहाँ से बहुत सारी एनर्जी और इंस्पिरेशन लेकर मैं जा रही हूँ सो आई एम वेरी हैप्पी आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट सुपर वुमेन अवार्ड तो मम्मा से क्या कुछ सीखने के लिए मिला है क्या क्या इंस्पिरेशन मिली है एंड डेडिकेशन राइट तो भी तो हर हर मम्मा अपने बच्चे को यही सिखाती हैं कि यार ईमानदार रहो और जो भी काम कर रहे हो डेडिकेट रहो तो ये जब एक्टिंग का करियर शुरू हुआ था आपका तो ऑब्वियसली उन्होंने आपका पूरा साथ दिया होगा yes, yes, हमेशा, हमेशा, हमेशा. <laughs> कोई ऐसी यादगार पल आपके बचपन में आप हमें शेयर करना चाहें <laughs> सबको सबको डांट तो सबको पड़ती है बहुत पड़ी है बहुत पड़ी है और काफ़ी मतलब मैं तो बोलती हूँ मम्मी ने हमारी बहुत मिलिट्री ट्रेनिंग की है विच इज़ वेरी गुड क्योंकि हम लोग समर वेकेशन में यहाँ वहाँ घूमने नहीं जाते थे हम कुछ ना कुछ नया सीखते थे सो so, बट वो अब बहुत काम आता है जब वेन यू डू मल्टी टास्किंग ना तब बहुत काम आता है ना मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यूज़ किया सबकी मम्मा का ना एक ही था कि खाना नहीं खाते हमारे बच्चे खाने के लिए बहुत डांट पड़ती है आपको पड़ी कब नहीं, नहीं, नहीं। <laughs> मैं तो भयंकर खाती हूँ आई लव ईटिंग भाभी जी में लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं क्या कुछ कहेंगे आप अपने फैंस को मतलब क्या ही बोलूँ आई एम सो लकी टू एंड आप सभी को मैं यही बोलूँगी आई लव यू ऑल एंड कीप वॉचिंग कीप लाफिंग एंड कीप लिंग विनोश वांगी ये भी अटकलें आ रही हैं कि आपको बिग बॉस से ऑफर आ रहा है तो क्या ये सच है आता रहता है बट अभी मैं भाभी जी पे कॉन्सेंट्रेट्रेट अभी जाना नहीं है मतलब नहीं। अच्छा, अपने फैंस को आप कुछ बोले भाभी जी के अवतार में एक आई दी हमको ऐसे ही प्यार करते रहिए ठीक यू सो मच